जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक ने महाशिवरात्रि के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए कांवड़िए कांवड़ लेकर के लौट रहे हैं। इसी के मद्देनजर जनपद के पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जनपद संभल को 3 जोन तथा 11 सेक्टर में बांटा गया है। जनपद संभल में कांवड़िए गंगा नदी और राजघाट से कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए जगह जगह कैंप लगाकर उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसमें आम जनता और पुलिस दोनों लगे हुए हैं। आज जनपद संभल में सभी क्षेत्र में कांवड़ियों का जत्था निकल रहा है, उनको लेकर के सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। पूरे जनपद को 3 जोन 11 सेक्टर में बांटा गया है। हमारे यहाँ गंगा नदी से, राजघाट से, वहाँ से कांवड़िए जल लेकर के आ रहे हैं और अभी अपने गंतव्य को जा रहे हैं। कल शिवरात्रि के अवसर पर सभी लोग अपने मंदिरों में जल चढ़ाएंगे। ये बहुत भारी मात्रा में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र लेकर के यात्रा जा रहे हैं। उनकी सुख सुविधा के लिए ध्यान में रखा गया है और रूट डायवर्जन जगह जगह लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस लगाई गई है, सादे वस्त्रों में पुलिस लगाई गई है, PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सारे क्षेत्र में जितने हमारे मंदिर पड़ते हैं उन पर फास्ट टावर भी बनाए गए हैं, उन पर बैरिकेडिंग भी कराई गई है और लगातार सभी क्षेत्रों में वाकफुल रह करके इन कांवड़ियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की सुविधा उत्पन्न कराई जा रही है। हाँ, सभी श्रद्धालुओं को उनके यात्रा में सुख सुविधा देने के लिए व्यवस्था की गई है। पुलिस की तरफ से भी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आम जनता, आम नागरिक जो है वो सारे लोग लग करके कांवड़ियों की सुविधा के लिए उनको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। पुलिस भी उनके साथ सहयोग करके प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी कर रही है, जिससे किसी को असुविधा ना हो।